हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ये फॉक्सी आई मेकअप कैसे कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी हुडेड आईज हैं तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईब्रो से, और मैंने इसके लिए ये लिया है बेनिफिट का काब्रो आईब्रो पोमेड, और मेरा नंबर है इसमें 4.5। तो इस तरह से यहाँ पर आईब्रो हम बना लेंगे। इसके साथ में ही ये छोटा सा ब्रश आता है जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ और आईब्रो इस तरह से फिल कर लेंगे। और इस तरह से ये आता है आईब्रो सेटर, बेनिफिट का ही तो मैंने यूज़ करा है, तो इससे मैं इस तरह से आईब्रो को सेट कर रही हूँ। और अब मैंने बेस की तरह लिया है ये कंसीलर, और ये लोरियल का कंसीलर है, मोर देन कंसीलर इसका नाम है, और 328 नंबर है इसमें मेरा, तो इसको मैं आईलेट पर लगा रही हूँ। और ये ब्रश मैंने यूज़ करा है जोइवा का, तो इस ब्रश की हेल्प से इस तरह से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। और ये फ्लैट ब्रश लिया है मैंने, अब एंगल्ड ब्रश, और रियल टेक्निक्स का है ये, तो आईब्रो के नीचे इसको इस तरह से करके मैं ब्लेंड करूँगी। और यहाँ बहुत लाइट सा मैंने पाउडर लिया है, और अब ये शेड लिया है मैंने, और ये पैलेट है टैन ब्यूटी का। तो ये शेड लेकर मैं स्टार्ट कर रही हूँ आउटर कॉर्नर से, और इस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ। और ये जो फॉक्सी आइज़ हैं इनका बेसिकली मतलब है कि आइज़ हमारी अपलिफ्टेड लगें, तो नीचे की तरफ या लटकी हुई ड्रूपी आईज़ इस तरह से ना लगे। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं मैं आई शेडो लगा रही हूँ, इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ज़्यादा हमें मतलब ब्रश को हमें कॉर्नर में ज़्यादा करके थोड़ा ऊपर ऊपर की तरफ इसको हमें ब्लेंड करना है, तो बहुत ही पॉइंटेड नहीं होना चाहिए उधर, थोड़ा सा ब्लेंडेड, हल्का फुल्का मैसी भी अगर हो जाए तो भी अच्छा लगेगा। तो अब ये ब्लैक कलर मैंने लिया है, और इसको भी मैं कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए, और फिर मैं अब इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और ये मैंने यहाँ पे डिटेलर ब्रश लिया है, और इसके हेल्प से मैं इस तरह से यहाँ पर आई शेडो लगा रही हूँ। और ये ब्लैक वाला मैंने शेड लिया है, और अब इसको भी हम यहाँ पर ब्लेंड कर देंगे। और ये करने के बाद में बहुत ज़्यादा ऐसा लाइनर वगैरह हमको नहीं बनाना है, तो बस इसको लगा कर और यहाँ पर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और जैसे आप देख रहे हैं कि जो क्रीज एरिया है मेरा, वहाँ पर इसको ज़्यादा अच्छे से करके मैं ब्लेंड करते जा रही हूँ, तो बिल्कुल भी उधर एकदम पॉइंटेड ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको आप लगाते हुए और साथ साथ में इसको ब्लेंड ज़रूर करते जाइए। अब ये शेड लिया है मैंने, और इसको मैं इधर ही ब्लैक से बिल्कुल लगा कर यहाँ पर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो इसको भी यहाँ पर लेकर और हम ब्लेंड कर देंगे। और ये न्यू शेड लिया है मैंने अब, और बाकी जो हमारा आईलेड है वहाँ पर इसको मैं लगा दे रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी और दूसरा लाइट कलर का शेड आप ले सकते हैं। और अब ये मैंने लाइनर लिया है, और ये बेनिफिट का आईलाइनर है, तो इसको इस तरह से लगा रही हूँ। बिल्कुल भी थिक नहीं लगाना, और एक प्रॉपर हमें कुछ विंग्ड लाइनर वगैरह नहीं बनाना है। और हल्का सा ये ग्लिटर मैं लगाऊंगी अब, लिक्विड ग्लिटर, तो इसको मैं जहाँ पे मैंने लाइनर लगाया है सिर्फ उतने में ही हमें सेंटर में ही मैं इसको लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा करके नहीं लगाना। और मस्कारा अब लगा लेते हैं, और ये मैंने कीको का मस्कारा लिया है, और इसको मैं लगा रही हूँ इस तरह से। और अब ये मैंने कीको का ही लिया है, ये जेल लाइनर है, और एक पॉइंटेड ब्रश लेकर और इस तरह से हम ये इधर इस तरफ निकाल के ये छोटा लाइनर बना रहे हैं, तो छोटा विंग लाइनर उधर बना लेंगे, तो शेप हमारी बिल्कुल आमंड शेप सी आईज़ की लगने लगेगी। और ये जो लैशेस मैंने ली हैं ये भी बिल्कुल हमें हैवी लैशेस नहीं लगानी है, स्पेशली अगर आपकी हुडेड आईज़ हैं तो बहुत हैवी लैशेस मत लगाइए। तो ये लाइट कलर की आप लैशेस लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी हुडेड आईज़ पर, और मेरी खुद की भी हुडेड आईज़ हैं, तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ या मुझे लैशेस लगाना होता है तो यही वाली लैशेस या फिर बिल्कुल लाइट सी नेचुरल लैशेस मैं लगाती हूँ, वो अच्छी लगती हैं। और अब यहाँ पर मैंने लोअर लैश लाइन पे सेम जो ब्राउन शेड पहले हमने लगाया था वो लगाया है,
और उसके बाद ये वाला शेड लिया है मैंने, तो इनर थर्ड में इसको लगा देंगे। और अब ये मैंने न्यू डाई पेंसिल ली है, इसको लगाने से आईज हमारी थोड़ी बड़ी बड़ी लगेंगी तो अच्छी लगेंगी बहुत। और अब मस्कारा लगा देंगे यहाँ पर, और बस ये लुक कंप्लीट है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी खुद की भी हुडेड आईज है और ये आई मेकअप एकदम परफेक्टली सूट कर रहा है मेरे ऊपर। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, और मुझको आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं और वो आपको मिलेगा आप जैसे ही टाइटल पर क्लिक करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।